बात करते हैं साइंस के बारे में। देखिए साइंस में हम बात कर रहे थे फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स में सबसे पहले हमने बात करी फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स पे, यानी कि भौतिक राशियां और मात्रक के बारे में। तो भौतिक राशि के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और मात्रक के बारे में हम बात कर चुके हैं। साथ ही हम उन जो भी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है या कैसे पुटअप होते हैं उसके लिए हम बात कर चुके हैं, कैसे आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। आज हम बात करेंगे साइंस की नेक्स्ट क्लास के बारे में। देखिए हम बात करने वाले हैं आज दूरी, वेग और विस्थापन हो रहा है क्या क्या है उन, और उनसे कैसे क्या उसके साथ है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साइंस की क्लास अपनी इसमें हम बात करने वाले हैं दूरी के बारे में। देखिए दूरी क्या होती है, हम चल रहे हैं और हमारे द्वारा जितनी भी लंबाई चली गई है, यानी जिसकी लंबाई कितनी है वही अपनी क्या होती है, दूरी होती है। जैसे यहाँ से चल के हम बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो वो अपने द्वारा चली गई जितनी लंबाई है वही अपनी क्या होती है, दूरी होती है। तो हम मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। हमारे द्वारा चले गए मार्ग की कुल लंबाई ही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि दूरी क्या है। देखिए दूरी क्या होती है, हमारे द्वारा चले गए मार्ग की कुल लंबाई, क्या कुल लंबाई, हमारे द्वारा चले गए मार्ग की कुल लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। बात करते हैं कि ये कौन सी भौतिक राशि है। देखिए भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, जिनके बारे में अपने पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ। भौतिक राशि होती है सदिश भौतिक राशि और अदिश भौतिक राशि। सदिश भौतिक राशि वो होती है जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण एंड दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश भौतिक राशि वो होती है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पहले क्लास में मैं बता चुका, और अदिश भौतिक राशि के लिए मैंने तो आपको अच्छी सी ट्रिक भी बताई थी, वो आपको याद भी होगी। ठीक है, तो देखिए दूरी दूरी होती है अदिश भौतिक राशि। अदिश भौतिक राशि क्यों होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने चलना शुरू किया और यहाँ से चल के हम यहाँ तक गए, या मान लो कि यहाँ तक गए ऐसे घूमते हुए कहीं भी जा रहे हैं, एक पॉइंट से हम इधर चले गए, तो देखिए हमें केवल इतना पता होता है दूरी से कि मैं इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता होता कि मैं कौन सी दिशा में गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अदिश भौतिक राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अदिश भौतिक राशि। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि मैं कोचिंग गया था, तो मैंने इतना ही बताया आपको कि मैं कोचिंग गया और कोचिंग 2 किलोमीटर दूर है मान लो, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वो कौन सी दिशा में है, तो आप उसको क्या बोलोगे, केवल अदिश भौतिक राशि बोलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूरी दूरी अदिश भौतिक राशि है, कौन सी है, अदिश भौतिक राशि। ठीक है, अब अपने वाहन होते हैं तो उनमें दूरी मापने के लिए यंत्र लगाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, तो वो भी आप ध्यान से याद कर लेना, उसका नाम है दूरी नापने का यंत्र। उसका नाम है ओडोमीटर, दूरी को ओडोमीटर की सहायता से मापा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है ओडोमीटर और एक और बता देता हूं आपको, वो होता है ऑडियोमीटर। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, ऑडोमीटर से दूरी मापते हैं, और ऑडियो देखिए ऑडियो अपने साउंड होता है ऑडियो, तो यह ध्वनि नापने का यंत्र होता है। क्या होता है, ध्वनि नापने का यंत्र, और ऑडोमीटर क्या होता है, दूरी मापने का यंत्र। ठीक है, तो दूरी के बारे में केवल इतना ही है कि यह अपने द्वारा चले गए कुल मार्ग की लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। यह एक प्रकार की अदिश भौतिक राशि है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है।
और उसके बाद में दूरी नापने का यंत्र क्या है, तो वो है ओडोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम विस्थापन के बारे में। विस्थापन, देखिए विस्थापन क्या है, यहां से मैंने चलना शुरू किया और मैं जयपुर गया, तो चलते चलते मैं जयपुर पहुंच गया, तो ये थोड़े पता है कि मैं रास्ता तो घुमा हुआ रहता है, फिक्स रास्ता होता नहीं है सीधा, भाई चलो यहाँ से चल के सीधे चले गए एक ही दिशा में, नहीं हमको घूमते हुए जाना पड़ता है। तो अपने द्वारा प्रारंभिक स्थान से लेके अंतिम स्थान तक जो सीधी दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। प्रारंभिक स्थान से लेके अंतिम स्थान तक के मध्य की दूरी जो कि एकदम सीधी होती है या न्यूनतम दूरी, वही क्या होती है, विस्थापन होती है। ठीक है, तो यह होती है प्रारंभिक और अंतिम स्थान के मध्य की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक और अंतिम स्थान के मध्य की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं कि यह सदिश भौतिक राशि है या अदिश भौतिक राशि होती है, तो यह होती है सदिश भौतिक राशि। अब आप सोचोगे सदिश भौतिक राशि क्यों है, तो देखिए इसका फिक्स पता होता है कि मैं प्रारंभिक स्थान से चल के और जयपुर तक गया, तो मुझे पता है जयपुर कौन सी दिशा में है। मेरा रास्ता ये भी हो सकता है या मान लो कि ऐसे घूम के ऐसे भी हो सकता है, या इधर से होके और इधर से भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि वो कौन सी दिशा में है, तो यह है एक सदिश भौतिक राशि होती है। तो यहाँ पे गलत मत कर देना क्वेश्चन को, और यहाँ से काफी बार पूछा गया है कि विस्थापन कैसी राशि है, तो यह है सदिश भौतिक राशि है। सदिश भौतिक राशि है। ठीक है, अब बात करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है विस्थापन के बारे में, तो सुनिए वो क्या बात है। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। अब इस बात का मतलब क्या है देखते हैं। देखिए यहां से चल के मैं यहां तक गया तो ये अपना धनात्मक हो गया। अब मान लीजिए मैं यहां से घूमते 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 यहां तक आ गया, तो मैं पीछे की तरफ आ गया, तो यह क्या हो गया, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि मैं यहाँ से चल के घूमता फिरता यहीं पे वापस आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन क्या होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक एंड शून्य भी हो सकता है। हमने बात करी दूरी और विस्थापन के बारे में, तो दूरी तो है अदिश भौतिक राशि और विस्थापन है सदिश भौतिक राशि। वो क्यों है उसके बारे में आपको बता चुका, और मैंने ये भी बता दिया कि दूरी नापने का यंत्र है ओडोमीटर है, और जो विस्थापन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं अपने राजस्थान पुलिस पटवार वगैरह उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विस्थापन धनात्मक है ऋणात्मक है या शून्य है। ये काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना रहती है, तो विस्थापन से सबसे मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा गया है और आपको इसको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम चाल के बारे में। चाल क्या है, देखिए चाल क्या होती है, समय के सापेक्ष चले गए मार्ग की लंबाई क्या होती है, चाल होती है। कि एक सेकंड में मेरे द्वारा कितनी दूरी तय की गई है वही क्या होती है, चाल होती है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे, एक सेकंड में
चले गए मार्ग की दूरी ही चाल कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह सदिश भौतिक राशि है या अदिश भौतिक राशि है। तो जो चाल है वो अदिश भौतिक राशि होती है। चाल मैं चल रहा हूं, मान लीजिए कि मैं 10 की स्पीड से चल रहा हूं, तो उसमें दिशा डिफाइन नहीं होती कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं। तो जब तक हमें दिशा का पता नहीं होगा तो हम उसको सदिश भौतिक राशि बोल ही नहीं सकते। तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश भौतिक राशि हो जाएगी। यह है अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो जो इसका मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। तो देख लीजिए यहां से भी आप डेफिनेशन बना सकते हो कि एक सेकंड में चले गए मार्ग की लंबाई या चली गई दूरी क्या कहलाएगी? अपनी चाल कहलाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम वेग के बारे में। चाल के बाद में अगली प्रॉपर्टी है अपनी वेग। वेग क्या होता है? तो देखें, जो वस्तु है कोई भी वस्तु के वस्तु के विस्थापन की दर ही वेग कहलाती है। वस्तु के विस्थापन की दर ही क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो जो वस्तु विस्थापन के बारे में पहले बात कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि यहां से शुरू होकर मैं यहां तक जा रहा हूं तो मैं कैसे कैसे जा रहा हूँ या सीधा जा रहा हूँ। तो प्रारंभिक स्थान से लेकर अंतिम स्थान के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होती है, और वो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको अभी जस्ट बता चुका। तो उसके विस्थापन की दर क्या होगी? वेग कहलाएगी। ठीक है, जब विस्थापन खुद एक सदिश भौतिक राशि है तो यह भी क्या होगी? सदिश भौतिक राशि ही होगी। तो इसकी पहली विशेषता क्या होगी? यह सदिश भौतिक राशि है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका मात्रक क्या होगा। देखिए, विस्थापन की दर ही वेग कहलाती है, यानी इसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो समय के साथ आएगा। तो जो चाल का मात्रक होता है वही क्या होता है? वेग का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड इसका मात्रक भी हो जाएगा। अब आगे इसके बारे में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर से रिलेटेड बची है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, लास्ट प्रॉपर्टीज अपनी त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, त्वरण, त्वरण की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। अब ये होता है वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है? सॉरी, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम इसके कि ये सदिश भौतिक राशि है या अदिश भौतिक राशि है। तो ये कौन सी राशि है? सदिश भौतिक राशि है। कौन सी है? सदिश भौतिक राशि है। सदिश भौतिक राशि। ठीक है, जो इसको व्यक्त करते हैं वो हम
ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में। इसका जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकंड। किसका था मात्रक? वेग का मात्रक क्या था? मीटर पर सेकंड मात्रक था वेग का। अब इसमें परिवर्तन हो रहा है, वस्तु के वेग में परिवर्तन किधर? तो जो परिवर्तन होता है वो हमेशा समय के सापेक्ष में होता है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपना जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या निकलेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए, पिछली बार राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, राजस्थान पुलिस में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यह कौन सी राशि है? सदिश भौतिक राशि है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी राशि? सदिश भौतिक राशि। किससे व्यक्त करते हैं? ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। साथ ही इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक कैसे निकला ये मैंने आपको बता दिया कि जब ये समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा तो 1/सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा मात्रक का। ठीक है, आपको तो अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी बताते रहिए। इस पर आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेगी, बीच में अनावश्यक कारणों के कारण क्लासेस नहीं हो पाई है उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अब कंटिन्यू क्लासेस हो जाएगी आपकी और आपके लिए